अब यहाँ पे जो एक और स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्टीवर्डशिप थ्योरी का। अब यहाँ पे जो एक और स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं यार मैनेजर्स तो बेचारे बहुत अच्छे दिल के होते हैं, गलत काम करते नहीं है। उन्हें एक दफा जब प्रिंसिपल्स जो हैं वो अथॉरिटी दे देते हैं, पावर्स दे देते हैं, तो वो उसका सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। स्टीवर्ड आप रखवाले को कह लें, जिस तरह भेड़ बकरियों को चरवाहा चरा रहा होता है, बड़ा जिम्मेदारी से काम कर रहा होता है। तो यहाँ वो मैनेजर्स को कहते हैं कि जी उनको अगर आप मोटिवेट रखेंगे, पावर्स देंगे, एम्पावर करेंगे, तो वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे और वो बड़े ही जो हैं वो डिग्निटी और ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। सो आप उनको जो हैं एम्पावर करें और उन पे बिलीव करें। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, पहले वाले में तो था ना कि मैनेजर्स गड़बड़ करते हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट ये था कि जी अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, मैनेजर को फुल पावर देंगे, तो मोटिवेट होकर ज़्यादा दिलो जान से काम करेगा। ये दिखाया जा रहा है आपके लिए, शेयर होल्डर्स जो हैं वो प्रॉफिट और रिटर्न्स जो हैं वो चाह रहे होते हैं, वो एम्पावर कर देते हैं, ट्रस्ट करते हैं स्टीवर्ड्स में यानी मैनेजर्स में। मैनेजर को जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती है तो वो बड़ा शेयर होल्डर्स के राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और उनकी वैल्यू को हमेशा बढ़ाएगा। तो ये अलग ही स्कूल ऑफ थॉट है स्टीवर्डशिप वाला। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास स्टेक होल्डर थ्योरी। अच्छा, स्टेक होल्डर थ्योरी जो है जैसा कि आपने पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स, तो आपको पता चल गया था कि जिस भी बंदे के पास कंपनी के शेयर्स होंगे वो शेयर होल्डर बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ पार्टीज होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से एसोसिएटेड होती हैं। मसलन कम्युनिटी हो गई, बैंक्स हो गए जिन्होंने लोन देना है, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, सप्लायर्स हो गए आपके जिनसे आप रॉ मटेरियल लेते हैं, और तो उसमें जो है वो सारे जो स्टेक होल्डर हैं, आपकी कम्युनिटी है जहाँ पे आपकी वो फैक्ट्री या बिजनेस लोकेटेड है, आपके सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए, ये सारे लोग स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि हर स्टेक होल्डर, इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि आमतौर पे तो हम ये कहते हैं ना कि शेयर होल्डर की सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। सो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने हमेशा ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो एज अ होल जो है वो सब स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो विन विन सिचुएशन हो। आपने सिर्फ एक पार्टी को देखकर और उसी को सिर्फ मैक्सिमम वेल्थ देने की तरफ नहीं जाना, बल्कि ओवरऑल एक कंसेंसस डेवलप करना है। ठीक है, दी थ्योरी फोकसेस ऑन मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर हैव इंट्रिंसिक वैल्यू एंड नो सेट ऑफ इंटरेस्ट इज अज्यूम टू डोमिनेट अदर्स। इसमें भी अगर आप देख रहे हो कि फर्म को कौन से लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही हमारे पास जो है इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, आपके पास पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इसके अलावा कस्टमर्स हैं, उसके अलावा कम्युनिटीज हैं, गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है टैक्स भी वसूल करेगी, रूल एंड रेगुलेशन भी ऑब्वियसली अप्लाई होते हैं। सप्लायर का ताल्लुक इसलिए है कि वो हम उससे माल लेते हैं, और ट्रेड एसोसिएशन जो हैं जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है रावलपिंडी इस्लामाबाद, और इस तरह हर शहर या मुल्क में होता है, तो उन सबको जो है वो ध्यान में रख के आपने फैसले करने हैं। एंड देन हमारे पास है रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, और इसके अंदर ये बताया गया है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड है, और इस थ्योरी में ये बताया गया है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल सिर्फ ये नहीं है कि वो सीटों पे आके बैठ जाएं और सिर्फ जो है प्रपोजल्स को सिर्फ जो है वो एनालाइज करें, बल्कि उनका ये भी काम है कि जो बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट पे आ रहा है वो ज़ाहिर एक्सपीरियंस बंदा है, इंडस्ट्री का गुरु है एक तरह का, तो वो अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करे, अपनी सोशलाइज जो वो इतना है, इतना उसका सोशल सर्कल है, और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस प्लस कॉन्टेक्ट्स लेकर आए और कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे ताकि फर्म की परफॉर्मेंस और सर्वाइवल जो है वो टिका रहे। सो डायरेक्टर ब्रिंग रिसोर्सेज टू दी फर्म सच एज इंफॉर्मेशन, स्किल्स, एक्सेस टू की कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि सप्लायर, बायर, पब्लिक पॉलिसी मेकर, सोशल ग्रुप्स एज वेल एज लेजिटिमेसी। डायरेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरीज, इंसाइडर्स होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, सपोर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। तो ये चार कैटेगरीज के लोग आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, और तो फिर उन्हें अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड देन हमारे पास आ जाती है जी ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्यूरी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्यूरी के अंदर ये कहा जा रहा है कि कंपनी जो है उसे ऑब्वियसली ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स है, रिक्रूटमेंट है, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, अगर तो वो एक्टिविटी वो खुद परफॉर्म करे तो उसकी वो कॉस्ट देख ले, और अगर वही वो बाहर से आउटसोर्स करे तो जहाँ कॉस्ट कम लगे वहाँ से वो काम करवाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम ही सारे काम खुद करें और वो बेशक महंगे हो जाए, तो इस कॉन्सेप्ट पे आप नहीं रहना, आपने पैसे को जाया नहीं करना। लास्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो इस अप्रोच को करती है कि आपने वोटिंग सपोर्ट शेयर होल्डर से जो है वो हासिल करनी है, रादर देन कि आप वोट परचेज करके उन्हें प्रेशराइज करें ना, उन्हें एतमाद में रहें, उन्हें ट्रस्ट दिलाएं, उन्हें यकीन होना चाहिए कि आप उनके लिए ही काम कर रहे हैं। सो इट हाईलाइट्स द एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट पावर, प्रॉफिट एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड वाया दी गवर्नमेंट फेवर्स। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे टर्म्स रखने हैं ताकि पॉलिसीज आपकी फेवर में ही हों। पहला हिस्सा हमने जो थ्यूरीज के हवाले से है वो डिस्कस कर लिया है। अभी हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह रिज्यूम करते हैं क्लास। ठीक है जी, तो 15 मिनट बाद मुलाकात होती है, हम फिर कुछ मॉडल्स को डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो हैं वो मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल में हम देखते हैं जी। पहले तो हमने ये देखना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके ही हैं। वो कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम्स होते हैं वो पूरी दुनिया में ऑब्वियसली काफ़ी सारे चल रहे हैं, और इसकी वजह ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो शेयर होल्डर, कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्ट्रक्चर, उनकी प्रैक्टिसेस और दूसरी सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे उनके लिंक को जो है वो चेक करती है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एक प्रोसेस है जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। सो कोई एक फिक्स